60,000 में कितने लोग आपसे आज तक आके मिले हैं? मिले तो एक भी लोग नहीं है बस। डिप्रेशन तो बहुत होता होगा आपको? बहुत ज्यादा होता होगा। वीडियो बनाने का मन नहीं करता होगा? क्या होता है कि नहीं? वीडियो बनाने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी बनाते हैं क्योंकि। सो हे गाइस, फाइनली आज अपने चैनल पर, जो कि चैनल का नाम है सोनू जी टेक्निकल, अबे साले, जो कि भैया का नहीं है, आप सब समझ सकते हो मेरा चैनल है का भैया। और एक बात और बताना चाहते हैं, जितना भी घर दिख रहा है सब मेरा था, लेकिन क्या हुआ कि एक गरीब बुजुर्ग लड़का नहीं होता है, छोटा बच्चा, छोटा मोटा, उसको मार कर छीन लिया लोग। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने चैनल को ले जाएंगे जो 1 मिलियन ना सुनो जी टेक्निकल को, और ये सारा सब भैया के नाम में करवा देंगे। हाँ, अब देखिए, गोविंदा आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि इसका जो चैनल है, अभी कल मैं गया था इसके घर पर, गया था, $10 कंप्लीट हो गया है। मोनेटाइज मैंने ही किया था, अभी $10 कंप्लीट हो गया है। तो अभी गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना था, वो भी मैंने कर दिया। ईवीएस टैक्स का फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद सिंगापुर टैक्स, वो भी भरना पड़ रहा है। तो भरने के बाद मैं आया था और कल बोला था कि जैसे ही गूगल से कोई मेल आएगा तुम दौड़े आ जाना, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे ही गूगल का मेल आया और ये दौड़े दौड़े आ रहा था, बीच में इसको एक कुत्ता मिल गया। क्या कैसा हाल हुआ कुत्ता को देखने के बाद तुम्हारा? हाल तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बेहाल कर दिया हमको। पता है क्यों? हम आ रहे थे, हम मतलब इतना खुश था ना दिल के अंदर कि कब जाकर पहुंचे कि अपना काम करवाए। हाँ। तो दौड़ लाए तो भाई पिता मतलब कुत्ता पीछे पीछे साला काट लिया इतना। तो फाइनली ये हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि अब इसका गूगल एडसेंस पिन आने वाला है, ठीक है। तो ये आके मुझे दिखाया, मैंने बोला कि ठीक है अब तुम मिठाई उठाई खिलाओ, गूगल एडसेंस पिन आने वाला है। अभी एक और भाई हमसे मिलने के लिए आए हैं, उनके चैनल पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आज संडे है तो मैं बोला कि आप आइए मिलिए। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम इनका भी है जिसको मैंने सॉल्व किया, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इनका बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में भी होगा लेकिन आप लोग मेरे से पूछ नहीं पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि कमेंट में पूछते भी हैं तो मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। और जो भी लोग इधर आइए, आप इधर, ये बहुत दूर से मेरे से मिलने के लिए आए हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बिहार शरीफ से, और इनके चैनल पे अभी लगभग 60,000 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे गोविंदा के ऊपर मैं लगा दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा। 60,000 लगभग सब्सक्राइबर है इनके चैनल पे और वीडियोज भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, इनका वीडियो जिस टाइप के ऑडियंस के पास जाना चाहिए, मतलब सजेशन में जाना चाहिए, वैसे ऑडियंस के पास नहीं जा रहा है। इनका चैनल है यूट्यूब टिप से रिलेटेड और यूट्यूब वीडियो को सजेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्रैंक वाले वीडियो के नीचे, रोस्ट वाले वीडियो के नीचे, इंटरटेनमेंट कैटेगरी के वीडियो के नीचे, मतलब कोई भी वीडियो जो है वो यूट्यूब टिप्स वाले ऑडियंस के पास नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इनका चैनल अभी बहुत डाउन हो गया है। और इन्होंने कुछ गलतियां भी की थी जिसकी वजह से इनके चैनल पे ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप अपने चैनल को चेक कर लीजिए कि आपका चैनल का जो भी वीडियो है वो राइट ऑडियंस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है, किसी भी अपने वीडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं वीडियो परफॉर्मेंस, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, रीच के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेक्शन देखने को मिलेगा, कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो। इसको ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका वीडियो जो है वो किस टाइप के वीडियो के नीचे सजेशन में जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इनका चैनल जो है पहले से ही जा रहा था, अभी आप देखेंगे 2 मंथ पहले एक वीडियो का मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये सभी वीडियो का जो सजेशन था बिल्कुल राइट ऑडियंस के पास जा रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने चैनल पे मिक्स्ड कंटेंट अपलोड कर दिया। ये देखिए, शॉर्ट्स में इन्होंने अलग कैटेगरी का, इंटरटेनमेंट कैटेगरी का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया, जिसके वजह से इनके चैनल पे अलग कैटेगरी के ऑडियंस आ गए और यूट्यूब क्या करने लगा, इनके वीडियो को इंटरटेनमेंट कैटेगरी के ऑडियंस को सजेस्ट करने लगा। तो पहला गलती इन्होंने ये किया कि अलग टाइप का कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड किया। दूसरा गलती, ये अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करते थे और आपको भी पता है कि अगर कोई भी व्यूअर शॉर्ट्स देखकर सब्सक्राइब करता है आपके चैनल को तो बहुत कम चांस है कि वो आपके लॉन्ग वीडियो को देखेगा, और इनके चैनल पे मैक्सिमम वीडियो जो पॉपुलर हुए हैं वो शॉर्ट्स के हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका अधिकतर वीडियो जो पॉपुलर हुआ है वो शॉर्ट्स वीडियो है, ठीक है। तो उससे इनके चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, इसीलिए आज इनके चैनल पे 60,000 सब्सक्राइबर होते हुए भी ये यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, क्या जी? बिल्कुल सही बात है, जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर बढ़ा है वो शॉर्ट्स वीडियो को देख करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, तो लॉन्ग वीडियो कहाँ से देखेंगे, नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। मैं बहुत बार आप लोग को बोलता हूँ ना कि सब्सक्राइबर बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है,
अब आपको लगा कि सोनू जी सही बोलते हैं? हाँ, तो पहले स्टार्टिंग में उतना पता नहीं था, बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं तो सब लोग अच्छे से नहीं बताते हैं, तो फिर अब मेरा वीडियो कब से देख रहे हैं? इधर 5-6 महीना से देख रहे हैं। 6 महीना से वीडियो देख रहे हैं। चैनल आप कब क्रिएट किए थे, कब से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे? चैनल क्रिएट किए हैं 2021 लास्ट में, बट मतलब कि कंटिन्यू कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, पहले रहते हैं। बताइए, 2021 में चैनल स्टार्ट किया, अभी 2024 चल रहा है, अभी चैनल पे 60,000 सब्सक्राइबर होने वाला है बट फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है? अब गलती इनकी है, अभी मैं बताऊंगा कि इन्होंने गलती और भी गलतियां की है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन देखिए कि इनके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, सितंबर 2022 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। 11 सितंबर से मैं अपने इस चैनल पे सोनू जी टेक्निकल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं सही तरीके से काम करता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपना कंटेंट बनाता हूँ और ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिससे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। मैं कभी भी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए काम नहीं किया, ठीक है? मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ जिससे लोगों को बेनिफिट हो। आज भी आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो अधिकतर वीडियोज ऐसे आते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड किया ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, क्या यही सोच के अपलोड करते थे? स्टार्टिंग में सभी लोग सब्सक्राइबर और व्यूज पे फोकस करते हैं, लेकिन ये आपको अब क्या लग रहा है कि सही है कि गलत है? जो भी लोग ऐसा करते हैं गलत है, बिल्कुल गलत करते हैं, तो सबके साथ वैसे ही होगा। हाँ, अगर इतना मेहनत करने के बाद भी, सोचिए 2 साल समय होता है, ठीक है? गोविंदा भी मेहनत कर रहा है लेकिन अब इसका डॉलर बनना स्टार्ट हो गया, इसका $10 बन गया है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो गया है और अभी ये भी बहुत मेहनत करता है, ठीक है? मेहनत ये भी करता है, ये भी बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है। इनका कंडीशन मैंने देखा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में ये यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। अब बताइए, इतना मेहनत करने के बाद भी, सब्सक्राइबर होने के बाद भी पैसे नहीं आए, डिप्रेशन तो बहुत होता होगा आपको? बहुत ज़्यादा होता होगा, वीडियो बनाने का मन नहीं करता होगा, क्या होता है कि नहीं? वीडियो बनाने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी बनाते हैं क्योंकि इस पे काम किए हैं, 2 साल मेहनत किए हैं, तो लगता है कि इतना मेहनत किए तो उसको बेकार जाने नहीं देना। हाँ। लेकिन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लगता है कि कब ऐसा वो टाइम आएगा कि मेरा भी एक लॉन्ग वीडियो वायरल हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए तो अब मैं क्या बताया कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपको क्या करना है, पहले वो सुन लीजिए। एक और प्रॉब्लम इनका एक गलती एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इनके चैनल के कीवर्ड्स हैं, ये अपने चैनल के कीवर्ड सेक्शन में क्या ऐड किया है, अलग अलग क्रिएटर के चैनल का नेम इसमें ऐड किया है। बताइए, मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप अपने चैनल का सेटिंग करें तो चैनल के कीवर्ड सेक्शन में आपको वही कीवर्ड डालना है जिस टाइप का वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, ताकि आपके चैनल का रीच बढ़े, आपका चैनल रिकमेंडेशन में जाए, सजेशन में जाए। चैनल का सेटिंग बहुत मैटर करता है लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? जैसा इन्होंने गलती किया और चैनल आज भुगत रहे हैं, 2 साल हो गया फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे, ठीक है? तो कम से कम बात को मानिए, लोग तो आपको अलग अलग ट्रिक बता देंगे कि ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ा लो, ऐसे वॉच टाइम कंप्लीट कर लो, लेकिन उस सब्सक्राइबर का, उस वॉच टाइम का क्या फ़ायदा जब आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पाएं, लोग आपको पहचाने नहीं क्या? 60,000 में कितने लोग आपसे आज तक आके मिले हैं? मिले तो एक भी लोग नहीं है, बस ऐसे मैसेज। पहचान है आपका? कोई पहचान नहीं है। तो समझिए, आप खुद समझिए कि रियलिटी क्या है, सब्सक्राइबर हर चीज़ मैटर नहीं करता है, समझ गया? कितने सब्सक्राइबर जेन्युइन हैं, सही तरीका से आपने काम किया है कि नहीं किया है, ये डिपेंड करता है। सब्सक्राइबर तो गोविंदा भी बढ़ा लेता है, क्या गोविंदा कॉमेडी करके? हाँ, बढ़ा लेते हैं, बहुत बढ़ा है, 10-20 लाख हो गया है झूठ के आज 10-20 लाख हो गया है झूठों के। तो समझिए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं अपने चैनल पे बहुत सारे अलग अलग तरह के कीवर्ड डाले हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, ये वीडियो। इसमें मैंने बताया है कि जब भी आप अपना चैनल क्रिएट करें, अलग अलग कैटेगरी के चैनल के लिए क्या कीवर्ड ऐड करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का चैनल बना रहे हो, अलग अलग कैटेगरी के चैनल का कीवर्ड इस वीडियो में मैंने बताया है। आप जाकर इस वीडियो को देखिए और चैनल में सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको सही कर लीजिए, वरना आपका भी टाइम बर्बाद होगा, उसके बाद मेरे पास आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ? उससे ज़्यादा आपका जो बीता हुआ समय है उसको तो वापस कभी मैं नहीं ला सकता, ठीक है? तो इनको भी मैं यही बोलूँगा कि अब आप अपने चैनल का सेटिंग अच्छा कीजिएगा, वो मैं करके दूंगा, चैनल का सेटिंग अच्छा करके इनका दूंगा। और साथ ही देखिए, अभी तक आपने जो गलती किया, मिक्स्ड कंटेंट अपलोड किया, ये आपको नहीं करना है, ठीक है? और एक और गलती कि ये अपने चैनल पे मैक्सिमम वीडियो जो अपलोड करते हैं वो प्रीमियम कर देते हैं। प्रीमियम क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आपके चैनल के अभी तो जेन्युइन ऑडियंस है नहीं, कुछ एक सब्सक्राइबर बेस होता है जो जेन्युइन आपको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ऐसे तो आपके बन नहीं है, अभी सब्सक्राइबर बेस तो बना नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए है, 60,000 सब्सक्राइबर है,
क्या वो शॉर्ट्स देख कर शॉर्ट्स देख के आए हैं तो एक उसे मेरा तो शॉर्ट्स वीडियो वायरल हुआ था 3 मिलियन के। हाँ, 3 मिलियन उससे 35,000 सब्सक्राइबर बताइए एक ही वीडियो से 35,000 बढ़ गया तो वो शॉर्ट से सब्सक्राइबर आए हैं तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है जो भी मिक्स कंटेंट आपने अपलोड किया वो रहने दीजिए उसको डिलीट नहीं कीजिएगा ठीक है। अब आपको क्या करना है अपने चैनल को फिर से राइट ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा YouTube टिप्स कैटेगरी का सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाइए। सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा तो उसका SEO कीजिएगा। SEO करने से क्या होगा कि आपका चैनल जितना ज्यादा वीडियो बनाइएगा उतना ज्यादा आपका चैनल डिस्कवर में जाएगा। डिस्कवर मतलब सर्च रिजल्ट में जाएगा। सर्च रिजल्ट में जाएगा और उसके थ्रू कोई व्यूअर अगर आपकी वीडियो को देखता है तो उसे क्या करेगा यूट्यूब एल्गो ऑब्जर्व करता है कि किस कहाँ से आपके वीडियो पे ट्रैफिक आ रहा है और उस हिसाब से फिर यूट्यूब आपकी वीडियो को राइट ऑडियंस तक पहुंचाएगा। तो आपको अपने चैनल को फिर से पहले जैसे कंडीशन में लाने के लिए हो सकता है कि एक महीने लग जाए उससे ज्यादा भी लग सकता है ठीक है। देखिए कभी भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं 90 डेज का चैलेंज लेता हूं और 90 डेज का चैलेंज लेकर ठीक है बहुत मेहनत करता हूं ताकि वो फिर से रिकवर हो जाए। तो वही काम आपको भी करना है चैलेंज लीजिए मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है बहुत किसी को लगता है इम्पॉसिबल होगा बट इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है ठीक है। हर चीज़ पॉसिबल है अगर आपके अंदर विश्वास है सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा बस यही बोलूँगा कि सही तरीके से काम कीजिए सब्सक्राइबर वॉच टाइम इन सब के चक्कर में रहेंगे कभी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा ठीक है। पहले गोविंदा को भी मैंने यही बात समझाया था आज जाके देखिए दिल्ली में ये रहता है और प्रैंक वीडियो बनाता है बहुत फनी टाइप का वीडियो बनाता है और अभी धीरे धीरे इनका चैनल जो है वो बूस्ट हो रहा है डॉलर भी बहुत अच्छा खासा बन रहा है ठीक है। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे खासे पैसे कमाएंगे कॉमेडी भी करेंगे क्या गोविंदा जी भैया। शादी उदी कब कर रहे हैं? शादी हो गया आप ही ना कराए हैं? अच्छा शादी हो गया है। हाँ 10-16 को हो गया आप नहीं आते छठियार में ठीक है दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मेन जो मुद्दा था इस भाई का जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने आपको भी दिखाया अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ठीक है तो आप उसको सही कर लीजिएगा एक बार वीडियो में मैं जो बताया। और रेगुलर होंगे सर्चेबल टॉपिक पे काम करेंगे चैनल का सेटिंग सही कर लेंगे फिर से सही हो सकता है ठीक है। तो अभी इनका जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सही कर दूंगा ठीक है। आई होप आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।